इस चैनल ने केवल 65 वीडियो अपलोड की हुई और 86,000 सब्सक्राइबर इसने गेन कर लिए। इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख 1.7 मिलियन व्यूज एक महीने पहले अपलोड है और इसको जो है मंथली 4 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हुए हैं और 80,000 सब्सक्राइबर इसके लास्ट 30 डेज में कंप्लीट हुए हैं। मतलब कि टोटली 3000% से भी ऊपर की ग्रोथ इसे मिली हुई है लास्ट महीने में। इसी तरीके से ये एक और यूट्यूब चैनल है और इसके भी 43,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, सिर्फ 59 वीडियो अपलोड है। इसकी वीडियो देखिए 2 महीने पहले 1.1 मिलियन व्यूज। इसी तरीके से एक और ये YouTube चैनल है जिसके 15,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और केवल 20 वीडियोस अपलोड है और इसकी भी जो है एक वीडियो वायरल गई हुई है 2 महीने पहले जिसको जो है 5 लाख व्यूज मिले हुए हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इस तरह की वीडियोस बनाओगे और यहाँ से जो है आसानी से 1 से 1.5 लाख रुपए पर महीने कमा सकते हो अगर आपका चैनल इतना ग्रो हो गया। तो आप देख सकते हो इसे जो है 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज लास्ट 30 डेज में मिला हुआ है और यदि इसको $1 का आरपीएम मिल रहा होगा तो ये आसानी से यहाँ से $3,000 से $4,000 पर मंथ कमा रहा है क्योंकि इसकी वीडियो इंग्लिश में होती है और व्यूज पूरी दुनिया से आता है। तो इस तरह की वीडियोस कैसे बनानी है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट की जरूरत होगी। स्क्रिप्ट यानी कि आपको स्टोरी की जरूरत होगी। तो जैसे कि मैं चैट जीपीटी में हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे, और इससे पहले मैं चैट जीपीटी का यूज करूँ आप जो है ये AIPRM एक एक्सटेंशन है चैट जीपीटी का, इसको अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर ले यदि आप पीसी यूज कर रहे हो। तो मोबाइल में आप ट्राई कर सकते हो अगर होता है तो, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को कहूंगा तो केवल हम 3 प्रॉम्प्ट का यूज करके स्टोरी क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे चैट जीपीटी में। चलिए चैट जीपीटी में हम जाते हैं। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट में यहाँ पे लिखूंगा जो कि है प्लीज सजेस्ट 10 यूट्यूब चैनल नेम आइडियाज फॉर द किड्स स्टोरी चैनल। तो जस्ट मैंने एंटर किया, आप देखो कि चैट जीपीटी ने हमारे लिए जो है 10 स्टोरी नेम आइडिया जनरेट कर दिया है जिनको हम अपने YouTube चैनल में यूज कर सकते हैं। अब चाहो तो इसको और भी स्टोरी जनरेट करने के लिए कह सकते हो लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही करूंगा। अब हमको यहाँ पे दूसरा एक प्रॉम्प्ट लिखना है जो कि है गिव मी 10 किड्स स्टोरी नेम आइडिया। ओके, अब मैं जस्ट इसको भी एंटर करता हूँ। तो ये क्या करेगा कि 10 स्टोरी नेम आइडिया यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। 10 स्टोरी नेम आइडिया का मतलब है कि आपकी जो है 10 वीडियो रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अभी क्या करूंगा, लास्ट प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दूंगा, दैट इज राइट अ 5 मिनट स्टोरी फॉर, और यहाँ पर आपको जो है कोई से भी एक स्टोरी उठा लेनी है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं जो है ये सेकंड वाली स्टोरी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। जस्ट मैंने एंटर किया, चैट जीपीटी आपके लिए जो है स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देगा गाइज। तो देखो देखते ही देखते चैट जीपीटी ने हमें पूरी की पूरी स्टोरी लिख के दे दी है और ये स्टोरी इनफ है मेरे हिसाब से। स्टार्टिंग में आपको छोटी से छोटी स्टोरी बनानी है less than 5 मिनट ताकि आपकी वीडियो वायरल होने का चांसेस बढ़ जाए गाइज। ओके, सो जस्ट मैं इसको कॉपी करूंगा। ओके गाइज, तो स्टोरी हमने क्रिएट कर दी है। अब हमको इस स्टोरी को सबसे पहले वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना है। तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए आप जो है 2 सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, फर्स्ट इज 11labs एंड सेकंड इज फ्लिकी। तो दोनों ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो देखो ये केवल $6 per month पे आपको मिल जाएगा और वॉइस क्वालिटी इसकी बहुत ही जबरदस्त है। मैं आपको एक दो सुना देता हूँ यहाँ पे। फ्लिकी हेल्प्स यू क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट यूजिंग लाइफलाइक AI वॉइसेस इन लेस। तो ये वाली वॉइस देखिए कितनी खतरनाक है, आप इसको जो है बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो और ये बहुत अच्छा भी लगेगा यहाँ पे, राइट। तो आप इसको यूज कर सकते हो, फ्लिकी को, काफी बेहतरीन टूल है। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। तो अभी मैं केवल इतना कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो है वॉइस लगा लेनी है। फर्स्ट वाली वॉइस मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है तो इसी को रखूंगा। ओके, और यहाँ से आप जो है वॉइस को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हो, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हो और इसको मैं जनरेट करता हूँ। Once upon a time in a small village nestled at the edge of a dense mysterious forest lived a young boy named Tommy. ओके, तो हमारी वॉइस ओवर भी रेडी हो चुकी है। हमको जो है इस तरह की इमेजेस फाइंड करनी है और इस तरह की इमेज को आप जो है लियोनार्डो AI में आसानी से जनरेट कर सकते हो, राइट। देखो ये कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे जनरेट की हुई है, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। जस्ट देखो ये जो सबसे पहले वाला पैराग्राफ है आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ पे कर लेना है आपको पेस्ट। ठीक है, यहाँ से आपको जेनरेट कर लेना है। उससे पहले आपको यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो को 16:9 कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से जेनरेट कर दो। तो देखो इमेज हमारी जेनरेट हो चुकी है यहाँ पे। ओके, जस्ट आपको इसको डाउनलोड करना है, आप यहाँ पे क्लिक करें। ओके, ये एक इमेज होगी, आप चाहो तो कितनी भी कर सकते हो, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो ये 2 इमेज हो चुकी है। अब फिर से मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे फिर से इसको कॉपी करूंगा। आप जो है अलग अलग करके भी कर सकते हो यदि आपको ज्यादा इमेजेस लगानी है, जैसे कि आपने एक बार जो है यहाँ तक किया और दूसरी बार यहाँ तक किया, तीसरी बार यहाँ तक, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में ये करने वाला हूँ, ये मैंने हटाया और इसको जनरेट करूंगा। तो देखो ये फिर से हमारे पास क्या आ गई, एक इमेज आ गई है। फिर से मैं इसको डाउनलोड करूंगा। ओके, और इसको भी डाउनलोड कर लूंगा।
ठीक है। तो अभी चार इमेज हैं मेरे पास, तो मुझे लगता है ये अभी इनफ है आपको बताने के लिए। देखो टाइम यदि आपको लगेगा तो इसी में लगेगा इमेज जनरेट करने में, बाकी का आपका जो है सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इमेज भी हमारे पास आ चुकी है, वॉइस ओवर भी आ चुकी है, दैट्स इट। और अब लास्ट जो काम है हमने जो है इन सबको कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए मैं प्रीमियर प्रो का यूज करता हूँ, आप जो किसी में भी कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है आपको बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं करनी है यहाँ पे, कोई सा आप फोन का एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है सारी इमेजेस को, और अब मैं क्या करूंगा वॉइस ओवर को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि फोटोज स्टोरी का अकॉर्डिंग लगी हुई है नहीं लगी हुई है, तो ये आप खुद से जाके चेक कर लेना। ओके, अब इसमें आपको एनिमेशन डालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे जाना है। ठीक है, ये क्या होता है की फ्रेमिंग होती है, यहाँ पे आप जो है किसी भी इमेज या फिर किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे इसे जूम इन करना है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे टॉगल एनिमेशन को ऑन किया, अब थोड़ा सा आगे गया जहाँ पे इमेज खत्म हो रही है वहां तक, और इसको मैंने बढ़ा के इतना कर दिया। अब क्या होगा कि शुरू यहाँ से हुआ था और यहाँ तक जाते जाते ये इतना जूम हो जाएगा। इसको प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको। Once upon a time in a small village nestled at the edge of a dense mysterious forest. Okay, तो आपने देखा ये इस तरह से कुछ एनिमेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है सब में कर लेना है, सब में आपको एक ही एनिमेशन नहीं लगाना है। अब जैसे इस वाले में मैं क्या करूंगा, पोजीशन में जाऊंगा, अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा पहले, और इसको इधर रखूंगा। अब मैं पोजीशन में जाके यहाँ पे फिर से टॉगल एनिमेशन को ऑन किया मैंने, और लास्ट में जाके इसको यहाँ पे लेके गया, और अब के बार मुझे जो है इधर लेफ्ट की तरफ लेके आना है, तो मैं इतना लेके आ जाऊंगा। इस तरह से आपको सारे फोटोज को एनिमेट कर देना है। अब यहाँ पे बहुत सारे आप इफेक्ट लगा सकते हो, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे पार्टिकल इफेक्ट डाउनलोड किए हुए हैं ग्रीन स्किन, तो इसको मैंने जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ओके, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा जल्दी से जल्दी। देखो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसकी ग्रीन स्किन आपको यदि हटानी है तो आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ से आपको ये करके यहाँ पे लगा देना है। ये करने का तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये ग्रीन स्किन रिमूव हो जाएगी, बहुत आसान है। क्योंकि अब इसको प्ले करके देखते हैं। Once upon a time in a small village nestled at the edge of a dense mysterious forest lived a young boy named Tommy. ओके, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पार्टिकल बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो इस तरह के इफेक्ट आपको लगा लेना है यहाँ पे, ताकि आपकी वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। इसके साथ साथ आप जो है बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हो, मैं जस्ट एक ट्राई करके देखता हूँ। तो ये मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पे अपलोड कर लिया है, इसका साउंड कम कर दूंगा। Once upon a time in a small village nestled at the edge of a dense mysterious forest lived a young boy named Tommy. He was an adventurous and curious soul, always yearning to explore the unknown. However, the village is often warned. Perfect video बनी है एकदम। तो इसी तरीके से यार आपको यहाँ पे अपना कमाल धमाल दिखा लेना है, और थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी। 10 वीडियो आपकी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आपको बनानी है। ठीक है, तब जाके आपकी उनमें से क्या पता एक दो वीडियो जो है वायरल हो जाएगी। एक वीडियो वायरल होगी तो समझ लो आपका काम बन गया गाइस। तो ये था पूरा मेथड आपको कैसे यहाँ पे वीडियो बना लेनी है। तो अभी के लिए इतनी एडिटिंग आपको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड बाय, सी यू सून।